मोदी ऐसा कहले बा सबके मुआवजे वैसा हाल है। अरे अच्छा, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि अखिलेश आते हैं तो गुंडाई बहुत होती है। एक जानने वाली बात है, सड़क के उस पार हवा मायावती की है और इस पार अखिलेश यादव की है। खा गई ना बंद करवा के घरे में कह ले रहे 22 लाख लगा के घरे में बंद कह ले रहे। ऐसे दिक्कत है कि तेल 200 रुपया किलो हो गया है, मोदी जी खाली चावल गेहूँ देते हैं, वह सूखा खा के सब रहे। अभी 75 रुपया कुछ ऐसे मिला, 1000 रुपया गैस कर दी है, तो बताइए इसमें गरीबों को लाभ कहाँ से मिलेगा। हाँ महंगाई तो बटल चावल गेहूँ यह सस्ता कैले बहन और सब चीज महंगा कैले बहन। शराब बंद होने से मोदी सरकार नहीं चलेगी, हम लिख के देते हैं बंद हो जाएगी सरकार नहीं चलेगी। इधर नाम का दे ले बहन की गैस दे दे गरीब बन के। 200 रुपया हम लोग कमा रहे हैं, 200 रुपया का तो तेल लग रहा है। वह कहते हैं मोदी एकदम यहाँ से चल जाए, चलाना चाहते हैं कोई भी सरकार है, नरेंद्र मोदी योगी न्याय बस मान लो ले पूरा दुनिया के दवा आ जाए तो पूरा देश बिक जाए। घर में हग्गा घर में खा, इस बार सरकार गई एकदम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जाए। अरे तो 70 रुपया लीटर से 104 रुपया 5 रुपया कदर में याद नहीं आई। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं कुमार। दोस्तों, यूपी में इस बार हवा किसकी है ये जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं वाराणसी के अजगरा विधानसभा सीट में क्षेत्र में, और यहां पे महिलाएं हैं, ये दलित बस्ती है। इन महिलाओं से हम जानेंगे कि इनको क्या समस्या है, वर्तमान सरकार से कितने संतुष्ट हैं या फिर नाराज हैं। योगी सरकार से आप खुश हैं कि नाराज हैं? खुश है तो बस, हमने खुश ना भाई, हमें तो नाराज है। नाराज है हमने के लिए, ना जगह बा, ना जमीन बा, ना पानी बा, हमने आबादी मिलत बा हर जनन के, आबादी बा तो बड़ा लोग जोत लो लेत बा, छोट लोग के भगा देत बा। नामने के रास्ता मैंने कमाल जाए, कितना खाल जाए। अच्छा, ये कौन सी बस्ती है? ये चमार है, रसूलपुर टड़िया है, हरजन बस्ती है। हाँ। अच्छा। पानी गदोला मार नाना पानी पिया के थोड़ा हो जाता है, हाथ दे जाके पे तो ऊपर जाता हूँ, मार मार दे थन भाई। सुविधा सरकारी चापाकल नहीं है, सब चापाकल है, बिगड़ल है, नहीं बनल बा, और चलाओ में इतना दिक्कत हो बात। हम भैया हमारा का हाथ दबा घर बा, पानी का इतना कितनी दूर है? हाथ दे, हाथ दे। अच्छा, महंगाई से भी दिक्कत है आप लोगों को? हाँ, महंगाई तो बटल बा, चावल गेहूँ ये सस्ता कैले बहन और सब चीज महंगा कैले बहन, तो इतना महंगाई नहीं बा। चावल गेहूँ मिलत ना? अच्छा, चावल गेहूँ को खा जाए दाल बिना बुरने का दाल सब कैसे घुटाई? नमक रख के खा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अब बने तो पेट्रोल से ज्यादा करुआ तेल मांगू गया इसमें। पेट्रोल में सब्जी बन पाएगी? नहीं, नहीं, पेट्रोल से ज्यादा करुआ तेल यूज हो रहा है इसमें, इसीलिए मांगू रहे। सस्ता है ना, वही तो कह रहे हैं। पेट्रोल में सब जब कड़ुआ तेल में इतना मांग हो गया पेट्रोल सस्ता होता बा, तो क्या पेट्रोलो में आदमी बना के खाई? अच्छा, वो मोदी जी सिलेंडर दिए थे, उसका क्या हाल चाल है? वो ठीक बा, वो का हाल चाल ठीक बा, इतना महंगाई का दिले बान गैस भराई तब ना खा, इतना नाम का दिले बान की गैस दे दिले गरीब बन के कैले बान मोते ना के सबके मुआ दे। तब बना हमने भराई कहाँ पाई हमने दादी मोती ऐसा कैले बान के सबके मुआ दे वैसा हाल है। अरे बाप रे, मुआ दिए सबके कब का ऐसा खूब फैलौले बान कब। अच्छा, लड़कों को काम मिल रहा है नहीं? काम मोटी मोटा काम मिला था, काम का हमारा फिर मिस्त्री है, हमारे घर पलिया शंभूपुर है, काम की इतनी महामारी है कि कहने वाली बात नहीं, हम लोग घर बैठकर रो रहे हैं काम बेगर। महीने में कितना दिन मिल रहा है? बस वो 2 दिन ज्यादा काम लग रहा है, फिर बस घर बैठे की है, तबियत खराब है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, इतना बालू महंगा है, काम नहीं है, कहाँ भी काम ना करे, कहाँ से कमाई होगी? बाल बच्चा सब भूखे मर रहे हैं, उसके बगैर पैसा नहीं है, पढ़ाई चल रहा है, खर्चा पानी के क्या है, गेहूँ चावल जो दे रहे हैं वही के बेच के आप खर्चा पानी चला रहे हैं, क्या करिए यार, ये समस्या है। महंगाई से दिक्कत है? हाँ साहब, हमें दिक्कत है महंगाई से, बहुत दिक्कत हमके है, दिक्कत एक देखते 200 रुपया हम लोग कमा रहे हैं, 200 रुपया का तो तेल लग रहा है, कौन हम लोग दवा खाएंगे, कौन हमें शरीर में मथुआ आएगा, इससे भी सरकार से हम लोग ना खुश है हम लोग तो। तो क्या इस बार योगी जी को लाएंगे कि नहीं? भैया हम लोग की इच्छा नहीं है। किसको लाना चाहते हैं? कोई भी सरकार है, नरेंद्र मोदी योगी न्याय बस, मतलब ये दोनों लग जाए, कोई भी आ जाए। हाँ भैया, कोई आ जाए, कोई में किसको चाहते हैं, यूपी में किसको चाह रहे हैं?
भैया भाई का जब अथवा आई जैसे हमने समझ में आई वैसे हमने सरकार अपन चुना। मतलब ये ना रहे कोई आ जाए नहीं ये चाह रहा ना। क्या करें दादी? वह कहते हैं मोती एकदम यहाँ से चल जा, कहते हैं मोती एकदम यहाँ से चल जा, कम कर तेल नून का महंगाई कम कर, तब मोदी योगी यहाँ यहाँ के अभाव ऐसा जमीन जटवन के हमारे एक घर में तैसे गुजर कर न रह का जगह न पानी का साधन न कुछ है। खबर आयल के खाता में पैसा जाए 4,000, 5,000, 2,000 से वो कटवा दे पैसा ये जन महामाया का मिलत महामाया वाला 1500 हाँ वो बंद हो गया। अब का के मोदी उतरिए तब तो असम का मिली, अब कहिया उतरिए तो कहिया मिली हमने के हमने के तो रोजी रोटी ले ले ले। 25 तारीख को आ रहे हैं मोदी जी बनारस। हाँ बनारस का पैसा कदा हमने के देते आई बनारस बात करे पैसा भेजा हमने के तब आई पैसा ले लेके। अगर आप नेताओं के सपा पास जाएंगी तो पैसा बाद में वसूलेंगे नहीं आप? बाद में यहाँ वसूलत तब आन एकदम फ्री में दे के और फिर एकदम 1,000 रुपया के एकदम 900 का एकदम 800 का ऐसे ही पैसा वसूल लेते बा। सिलेंडर का दाम क्या है? 1,000 सिलेंडर भरवा रहे भरवा पा रहे आप लोग? अब कैसे भरवाए रही तो भरी न भरा तो ना भरा हम तो जा रही ला लकड़ी तोड़ तो लिया ला तो बनाई ला गैस ऐसे धैल बा इतना महंगाई बढ़ गल बा तो कहाँ से हम लोग खाना लकड़ी पे ही बना रहे हैं। कहीं केव के पेड़ पौधे पर जाल जाला तोड़ल जाला लगी बना के तो वो गाड़ी मारी सुनल जाला। देखा का गैस ना मिलल हमके देखा देखा ये बिन बिन लिया ये देखिए ये उज्ज्वला योजना। चाची सिलेंडर मिला था आपको? सिलेंडर नहीं नहीं मिला था? कहाँ मिलल है? ना मिलल है तो सिलेंडर भरवा पाओ तो ना है समय? नहीं सिलेंडर ना आपके पास? नहीं खाना बनिए पड़ रहा है? हाँ खाना बन। महंगाई से दिक्कत है? हाँ महंगाई से बहुत दिक्कत बा। 200 रुपया तेल हो गल बा किलो। तो जोगी बाबा फिर से है कि ना? नहीं भाई जोगी बाबा सुविधा दिए तो कहे नहीं आई है। ठीक है जाइए आप। यहाँ कुछ युवा साथी भी हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर नेवादा। अच्छा तो आकाश क्या करते हैं आप? हम तो गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? ब्रेजा। तो आपका काम तो चल रहा होगा? काम कैसे चलेगा, महंगाई इतना है काम कैसे चलेगा आप ही बताइए। तो अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, फिर से योगी सरकार चाहते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। किसको चाहते हैं आप? मायावती। मायावती को? हाँ। लेकिन मायावती तो बहुत शांत है, क्या लग रहा है? नहीं हमको लग रहा है कि मायावती हमारे वध से वो जीतेंगी, मायावती सरकार बनाएंगी। हमारी पूरी सपोर्ट है उनके लिए। आप लोग मायावती? अच्छा मायावती आएंगी तो चीज़ें सुधर जाएंगी? सुधर जाएंगे। क्या बात है। तो ये लोग वर्तमान सरकार से बेहद नाराज हैं आप देख सकते हैं, इसमें कोई बनावट। चाचा काम वो मिल रहा है? नहीं भाई। कितने दिन बैठल है? महीना में क्या दिन? अरे एक को दिन महीना में हम नहीं कर। अच्छा बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि अनाज मिल रहा है अपना खा के घर पे आराम से पड़े रहो। अनाज खाओ सुतो। बाकी बस खाली गेहूँ चाउर दे दे बस ऐसा पब्लिक खा के पड़ल है सूखा खवाई। जब इतना मांग भलवा कुल सवान एक भेज दलन सरकार की पता लगावा कि के हम वोट दे के न दे के जिताई के बोलाई के ना बोलाई आ एक बजे ना कोई पता लगा उसकी महंगाई जब पता लगा महंगाई बढ़ल बा कि घटल बा। चाचा यूपी में चुनाव होने वाला है, अच्छा अच्छा तो योगी बाबा फिर से आएंगे कि नहीं? योगी के तो हम लोग नहीं देते। किसको देते हैं? हम लोग तो सपा के देते हैं। सपा को देते हैं तो अखिलेश यादव आएंगे? अब आ जाएंगे कि नहीं आओगे क्या पता आएंगे। आप किसको चाह रहे हैं? हम तो नहीं कुछ बता दे जनता के हाल क्या बताओ। अच्छा महंगाई से दिक्कत है आपको? महंगाई तो 200 रुपया किलो सरसों का तेल हो गया भैया, गाला गेहूँ 5 किलो दे के उसे गुजर होगा। महंगाई बढ़ा दे कुछ दे रहा है कुछ मार नौले पूरा दुनिया के दवा आ जाए तो पूरा देश बिक जाए बिक जाए। अच्छा मतलब फिर से भाजपा आ जाएगी देश बिक जाएगा? हाँ हाँ आ जाएगी। अच्छा आ जाएगी भाजपा बिक जाएगा देश। और कौन रोक? हाँ पुरौना फैला दे ले मुआ मुआ सब पुरौना दिखाओ। नहीं नहीं टीका लगवा लीजिएगा। टीका तो लगल बा यहाँ कुल ऐरन तो बा और निकला तो मार मार बाल बच्चा निकला तो मार मार घर में हग्गा घर में खा और गदला। मोदी जी शौचालय बनवाए थे ना? कहाँ पैखाना? पैखाना क्यों के बना ला क्यों के नहीं बना ला
तक प्रधान सबके बिल्कुल अहिरन का निकले में पतन हमने के बहल बात पानी का साधन नहीं है आबादी है बंजर है जो ना कि अरे मिलजुल के सबके रहे चाहिए झगड़ा के लिए का जरूरत है। आप भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से। बनारस से जी। अच्छा आप मोटरसाइकिल चल रहे हैं, तेल भराने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मोदी जी की याद आती है तेल डलाते समय? बहुत कष्ट होता है। अच्छा मोदी जी की बड़ी प्रेम है लेकिन सरकार चलाने योग्य नहीं है। अच्छा सरकार चलाने योग्य नहीं है, आप दोनों बात बता रहे हैं। प्रेम क्यों है फिर? प्रेम इसलिए है कि सर ऐसा ऐसा उलट के मारे हैं जनता उनको भूलेगी नहीं। शिक्षा शिक्षा ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए। क्या करते हैं जी? हम बिजनेस करते हैं जी। बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? हॉस्पिटल चलाते हैं। अच्छा हॉस्पिटल चलाते हैं। तो हॉस्पिटल वाले तो लॉकडाउन में खूब कमाए थे, बाकी कमाने की मजबूरी है। सरकार जब डंडा करेगी तो कोई हमको आप डंडा करेंगे तो हम भी तो किसी को करेंगे ही, लेकिन सरकार कौन डंडा कर रहा है? सरकार पास है कि फेल है? अभी इस बार सरकार गई एकदम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जाएगी। पूर्ण बहुमत के बस चिल्ला रही है सरकार की, हम पूर्ण बहुमत सरकार से आ रहे हैं। कौन आएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। कितने सीट लेके आएंगे अखिलेश? 300 के पार। 300 के पार। अच्छा बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि अखिलेश आते हैं तो गुंडाई बहुत होती है, सही है क्या? बीजेपी वाले में क्या हो रहा है? कुछ रुका है? कुछ नहीं रुका है, अभी गुंडाई हो रही है। अरे आपके सामने भी निर्दोष आदमी को मार दे रहे हैं, गुंडाई नहीं तो है क्या? बताइए आप ही बताइए। हर तरह से कौन सा निर्दोष मारा गया? बोलेंगे सपा में सब विधायक गुंडा बदमाश, बीजेपी में कौन सा स्वच्छ आदमी है बताइए? तो उनसे ज्यादा है परसेंटेज में, उनसे ज्यादा बदमाश इनकी पार्टी में। किसमें? सपा में? भाजपा में। भाजपा में सपा से ज्यादा है गुंडाई बदमाशी, सपा में उससे कम। अच्छा ये बताइए रोजगार के मुद्दे पे क्या लग रहा है? बस बस उसी के लिए हम लोग विनती है, लड़के इतने ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। पहली बात तो शिक्षा का अभाव खत्म हो चुका है बीजेपी के आते ही, शिक्षा समाप्त हो गई। शिक्षा समाप्त, कोई बच्चा पढ़ रहा है? मोबाइल से पढ़ाएंगे, मोबाइल से पढ़ रहे हैं बच्चे, गार्जियन कब तक बैठ के देखेंगे ये बच्चे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अरे आप सामने देखेंगे तो साइड में मार कर आपको किताब दिखा देंगे, जैसे जाएंगे तो गेम खेलेंगे। आना है तो एकदम जुटा लेंगे, स्कूल खुलवाने के लिए घर में बैठाए हैं, कोई अपना कार्यक्रम रहेगा तो वहाँ पे इतना पब्लिक बुला लेंगे कि पूछिए मत। तो क्या लग रहा है इस बार यूपी में हवा किसकी है? अखिलेश। योगी जी। अच्छा यहाँ यहाँ एक जानने वाली बात है, सड़क के उस पार हवा मायावती की है और इस पार अखिलेश यादव की है। देखना यह है कि चुनाव में ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं या फिर चुनाव के बाद लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, मतलब पिछली बार तो दोनों हाथ मिलाए थे बसपा मशीन से। अच्छा पिछली बार जब गठबंधन हुआ था सपा बसपा का तो आप लोग हाथ मिलाए थे? जब तक चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश हो, जब तक भाजपा मशीन से अगर करेगा तब तक जीतेगा। अच्छा ईवीएम पे? ईवीएम मशीन से। ईवीएम में दिक्कत हटा नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। जब तक मशीन से होगा, जब तक मशीन से चुनाव होगा तब तक कोई हटा नहीं सकता है। चाचा क्या हाल चाल है? कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से। बनारस से। तो अभी आप दूध लेके गए थे ना, तो महंगाई से दिक्कत है आप लोग? पेट्रोल डलाते हैं दिक्कत होती है? पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया। क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी रहेगी? हवा किसकी है इस बार? हवा सपा की रहेगी। सपा की रहेगी। क्या नाम से चाहते हैं? राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव जी। तो महंगाई और बेरोजगारी भी है इस समय चरम पर है। तो इस बार सरकार हटाने का मूड बना लिया? चलिए चाचा बनारस के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है कि योगी जी ने बोला कि अब दूध वालों को लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अच्छा तो लाइसेंस बनवाने में दिक्कत होगी आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत होगी, आज दूध है कल नहीं रहेगा तो कहाँ से लाइसेंस? हाँ क्या नाम है? अरविंद यादव नाम है। अरविंद यादव। तो यादव जी क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है? इस बार अखिलेश यादव की है। पिछली बार कैसे कहें गड़बड़ा गया? तो अरे पिछली बार भाई जनता दी, पहली बार हवा दूसरी थी ना। हाँ उस बार दूसरी, इस बार हवा बदल गई पक्का? एकदम पक्का। कितनी सीट लेके आएंगे अखिलेश? 350 के ऊपर ही जाएगी। 350? तो 400 कह रहे हैं, 50 घटा दिए। नहीं वो 300 बोले भाई अखिलेश यादव, 400 सीट बोल रहे हैं। हम 350 के ऊपर बता रहे हैं। अच्छा मतलब ऊपर का मतलब उसके ऊपर। तो अच्छा क्या मतलब क्यों योगी सरकार से नाराज क्यों? इसकी सरकार तेल महंगाई इतना बढ़ा दी कि जीने के लिए कोई रह ही नहीं पा रहा है, इतना महंगाई पड़ा है। महंगाई से दिक्कत है। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण यादव। तो यादव जी क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस? टेंट हाउस मैजिक है मेरे पास। और आपका बिजनेस तो लॉकडाउन में एकदम खा गई ना, बंद करवा के घर में कई ले रहे, 22 लाख लगा के घर में बंद कई ले रहे। अब चला सर भी गई सामान भी चली क्या कटहर? चली क्या कटहर? तो अब चल तो मनिए ना भैया, क्या चली बताओ लोग। अच्छा सामान सब खत्म सड़ गई, गद्दा सड़ गया बारिश में,
रखा का जगह नहीं, रखा का थोड़ा जगह तो इम्फाल की लगन में चलत रही। तो अब क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे? अब इधर उधर घूमे तो दिखाई है क्या करे घूमे, पैसा कहाँ से? अरे पैसा का ये चौराहे पावा जाए 10-20 रुपया ना रही लगे। अच्छा, तेल डलाते समय याद आती है साहब की? अरे तो 70 रुपया लीटर से 104 रुपया 5 रुपया का देने याद नहीं आई। चाचा कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भाजपा का सदस्य भी हूँ, मैं भाजपा का सदस्य भी हूँ। लेकिन आपका गमछा सो भाजपा का है? वो बात सही है, पिछली बार आप गठबंधन में थे यहाँ पे। ये नहीं कह रहे हैं, मैंने आप लोग मैंने ये बता दीजिए कि अपनी बात कहेंगे तो उसको आप लोग सुनेंगे कि नहीं? क्यों नहीं सुनेंगे, आप ही की तो सुनने आए, नहीं तो वहीं से नहीं बोल लेते। देखिए एक पेपर आया हुआ है, आप अपने सामने देख लीजिए, एक पेपर आया हुआ है जिसमें देखिए दिनांक पड़ा हुआ है 1/10/2021 और देखिए ये लिखा हुआ है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और अधीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद वाराणसी ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर में अपने स्तर से कार्यवाही संपादित कराएं। सरकारी कर्मचारी और सरकार आपका काम करती है, जनहित का काम करती है, तो लोग उसके पक्ष में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदलाल त्रिपाठी, ग्राम सभा रसूलपुर। तो क्या करते हैं आप? ये लेबरई कई लाओ, लेबरई मिलत काम नहीं, सब करा कर पैसा नहीं दे बार काम मिली, काम करा के पैसा नहीं दे रहे हैं लोग? नहीं। तो महीने में कितने दिन काम मिल रहा है? अरे महीना हुआ 10-15 दिन चल पाए घर, कौन कम हो बाकी मिली। कहाँ लगे थे बाबा? फिर से यही है कि ना सरकार में? कहाँ, इनके राज में तो जब महंगाई चप्पल बा कहा ही है बाबा। फिर से कैसे ले आओगे फिर? अब आई दूसरे को सरकार देखन जाए। उधर उधर सपा वाले हैं, इधर बसपा वाले हैं, इधर कुछ माताएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। महंगाई से दिक्कत है? महंगाई से बहुत दिक्कत है, महंगाई से दिक्कत है कि तेल 200 रुपया किलो हो गया है। मोदी जी खाली चावल गेहूँ देते हैं, वह सूखा खा के सब रही। महंगाई से इतना दिक्कत है, 54-55 बच्चे हैं, काम धाम सोझे ना मिलत है, पढ़ाई लिखाई का बच्चन का नुकसान भय, लॉकडाउन लगा देना। 5-6 महीना बाद यूपी में चुनाव होके वाला है, तो बाबा के फिर से वोट देवो कि ना? बाबा के का वोट दे ही, ऐसा महंगाई कैले नहीं तो का वोट दे ही बाबा के वोट देवो? मायावती के। मायावती के? मायावती है, सही हो जाए, सब सही हो जाए। कुल मिला के बाबा के हटावल को विचार है ना? हाँ सर, हटाव के इतना 50 रुपया पौवा तेल भला, और कमाई एक है ना, काम मिलता है ना? है काम ना मिलता ना ही तो का खाल जाए, खाली बस गेहुआ चौरा खाल जाए। अच्छा, सरसों का तेल खरीदा था कि ना? सरसों का तेल तो 50 रुपया पौवा भला, 200 रुपया लीटर भल है, तो कैसे खर्चा चली? मोदी सरकार का शिकायत नहीं सुनना चाहते आप? मोदी सरकार, हम ये सुनना चाह रहे हैं कि सरकार से आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं? एकदम नहीं, हम जो एजुकेशन कर रहे हैं, हमारे इसमें इतनी महंगाई है कि हम एक फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं, इतना महंगाई है कि हम लोग सोचना पड़ता है। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम इंटर फाइनल हैं। इंटर फाइनल में इतनी महंगाई को देखते हुए कि हम ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, बीए करने के लिए सोचना पड़ता है। हम अनुसूचित जनजातियों के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना कि हद हो गई है। मोदी सरकार से बेहद हम लोग, मतलब जो भी है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम मोदी जी तो कह रहे थे कि हम SC ST के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्या किए? समान हम लोग आरक्षण सामान्य में डाल दिए, क्या किए? अच्छा, आपका आरक्षण खत्म हो गया? तो जा तो रहा, OBC वाला को चला गया, तो सामान्य में चला गया, तो बताइए हम लोग क्या मिल रहा है? तो क्या चाह रहे हैं फिर से? योगी जी को यूपी में लाना चाहते हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग आरक्षण, हम लोग को उतनी ही जो हमें पहले फैसिलिटी मिलती थी वही हमें चाहिए। हम जीना चाहते हैं, हम लोग गेहूँ चावल खाने से जियेंगे नहीं, हम लोग को और भी जीना है, तो उसके लिए मुझे और भी पढ़ाई लिखाई करना है। ये नहीं खेती करने से नहीं देश चलेगा, खेती करने से और लोग भी हैं, लेकिन तो था आप लोगों का? एकदम नहीं, जो है सो बस घर है, दूसरों की खेती करते हैं। हाँ करते हैं। तो अभी जो आपके पिताजी हैं या भाई होंगे, तो उनको काम मिल रहा है? एकदम नहीं, इतना सीमेंट और बालू इतना महंगा है कि पापा तो हम लोग के घर में बैठे हैं, एक एक महीना से बैठे हैं, और लॉकडाउन में तो वैसे ही बैठे थे, एकदम घर जाना इम्पॉसिबल है। अभी आपको ग्रेजुएशन करना है ना? करना है, लेकिन सोचना पड़ेगा, मुश्किल है, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे ही नहीं, एक लाइन की बात है, क्योंकि पैसे नहीं है, इतनी महंगाई में क्या सोचे, सोचना पड़ता है। अच्छा, क्या फीस लग रही है अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए? अभी मिनिमम 6-7 हज़ार रुपये लग रही है, लेकिन हाँ लग रही, तो इसमें भी हम लोग के, हम जैसे लोगों के लिए बहुत है ये 6-7 हज़ार रुपया बहुत है, क्योंकि एक दिन की कमाई 300-350 रुपया होती है, अब वो भी मिलने पर रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पियेंगे, तब जाके मिलेगा। वो भी कुआं तब खोदेंगे जब जमीन मिलेगी, जब काम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से लाएंगे? तो वो 350 भी कहाँ से आएगा? और 6-7 हज़ार रुपया जमा करना, विरोध नहीं कर रहे हैं मोदी सरकार का, लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, ठीक है, सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं है,
हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है और सरकार हमारे खर्चे से चलती है। मोदी के दादा की जमीन बेच के वो अपना नहीं चला रहे हैं, तो इस हकीकत को समझना पड़ेगा। हम अगर 5 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा टैक्स देते हैं। इतनी महंगाई भी देख लीजिए, शराब का कीमत देख लीजिए और तेल का कीमत देख लीजिए। शराब सस्ती है, तेल महंगा है। और नहीं तो क्या, शराब तो कभी कभी रोज पीते हैं, फिर भी तेल देख लीजिए 200 रुपए लीटर, अब सोचना पड़ता है। अच्छा, अजगरा में ही कुछ महिलाओं से हम बात किए थे, वो कह रहे थे कि शराब बंद हो जाए तो हम लोग बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं खुश होंगे। अच्छा, रतन का जिंदगी बेकार हो जाता बतावा। वो तो हम बोली सरकार हर चीज के महंगाई बढ़ाओ थन, शराब को सहताई कर दे बारा, शराब का इतना महंगाई कर दे बान, और चीज का महंगाई कर दे। शराब बंद हो जाएगी तो आप खुश होंगी उससे? हाँ खुश रहा, लेकिन कम से कम अपन बाल बच्चा। शराब बंद होने से मोदी सरकार नहीं चलेगी, हम लिख के देते हैं। बंद हो जाएगी सरकार नहीं चलेगी। दिन भर खेते में खट के आदमी आई मेरा रू आदमी पी के धतरी के मतरी के करिए घर में रहा ना तो यहाँ रोटी खाए ना तो यहाँ। पीने के बाद जब झगड़ा होता है तो कौन आगे निकल जाता है? अरे पिए वाला आगे निकल जाता है। जो पिया है वो आगे निकल जाता है, लेकिन आप तो होश में रहते हैं। लेकिन क्या करें, एक बार सहेंगे, दो बार सहेंगे, बार बार नहीं ना सहेंगे। हम भी देते हैं खाने लिए। हाँ, पीने के बाद दे देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, है ना। आपके पतिदेव भी पीते हैं? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, कभी कभी, ज्यादा नहीं, कभी कभी, हिसाब से लेते हैं। हाँ, हिसाब से लेते हैं। आप आपके बेहिसाब लेते हैं? हाँ, हमारा आदमी तो रोज पीते हैं, रोज पीते हैं, इसीलिए हिसाब है, बेहिसाब अधिक है यहाँ पे। घर से भगा दिया हम लोग। अच्छा, क्या करें, घर पे आपका भी अधिकार है, उन्हीं का नहीं है? नहीं, वो बोल रहा कि हमारा बाप का, हमारा बाप है, तुम निकल जाओ। हमके हम लेकर आए, हम तुमको निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकल जाए? हम निकाल दिए, हम नहीं रखते हैं घर में। आप निकाल दिए? हाँ। ये शेरने वाली बात, महंगाई से दिक्कत है, तब दिक्कत बटले वो भैया। तो योगी बाबा फिर ले आओगे ना? योगी बाबा आवत सहताई करे तब ना। आइए तो हम कहा है, अभी तो अभी योगी बाबा की सरकार ना है। सहताई करे भैया, महंगाई नाराजी दिक्कत रहा हम लोग के, नहीं बस के कुछ सहताइयो कर, मतलब उनके हम लोग सरकार बना देते। इतना महंगाई बढ़ा था कि पब्लिक मर जाए, ना कमा सके, ना खा सके। इतना महंगाई भी ना करे के चाहिए, बतावा। ऐसा कह दे ना कि कदा की पब्लिक उघारा घूमा पैदा उड़ा ना बात। जबकि गैस की महंगाई इतना कर दिले तो गैस आदमी कमा ना सकत बा। अच्छा, लोग भरवा नहीं पा रहे हैं, गैस नहीं भरवा पा रहे हैं ना। तो पैसा तो जब तक पूरा हो नहीं रहा है तब तक तो अकाउंट में आ नहीं रहा है। 15-16 बार आप भराएंगे तब पैसा जाता है अकाउंट में, तब सब्सिडी आएगा। सब्सिडी कितनी मिल रही है इस समय? सब्सिडी अभी आया ही नहीं है तो पता कहाँ है। अभी 75 रुपया कुछ ऐसे मिला है, 1000 रुपया गैस कर दी है, तो बताइए इसमें गरीबों को लाभ कहाँ से मिलेगा। अच्छा, कुछ महिलाएं कह रही थी कि या तो सिलेंडर सस्ता करो चाहे वापस लग जाओ। हाँ, वो तो सही है। हाँ। 5000 में वैसे दे के तो ले खरीदेंगे, वैसे भी पैसा अपना ले ही ले रहे हैं, सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। एक बार फ्री में दे दी फिर वसूल रहे हैं। हाँ, वसूल तो रही है।